हेलो दोस्तों, कुक बाय प्रियंका में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस तरह में हमेशा हम लोग के घर में किसी न किसी का कहीं पेट दर्द होता है, कहीं पेट में अजीब सा होता है और जी मचलाता है ना, तो ये अक्सर करके दस्त होने लगते हैं। ये अक्सर करके हमारे घर में किसी न किसी को ये प्रॉब्लम होती है, तो उस तरह में हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि इस तरह में हम क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, क्या बनाएं, क्या इनको दें, क्या नहीं दें। बच्चों को दस्त होने लगती है और हेल्दी भी हो और हमारा जल्दी से बन भी जाए। तो ऐसे में देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं एक नई सी रेसिपी। तो वो है, हमने देखिए लिया हुआ है मूंग की दाल। तो ये हमारा 400 ग्राम मूंग की दाल है और ये 200 ग्राम चावल है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये 200 ग्राम अगर कटोरी से मेजरमेंट करें तो ये 2 कटोरी हमारी मेजरमेंट में ये चावल है और उससे ही दुगना हमारा ये दाल है। मतलब आपको ये समझ के चलना है कि जितना आपका चावल है उससे दुगना आपका दाल होना चाहिए। जैसे एक कटोरी आपने चावल लिया है तो 2 कटोरी आपकी दाल होनी चाहिए, ठीक। तो ये देखिए, हमने इसको बढ़िया सा धो लिया है और इस चावल को भी अच्छे से धो लिया। अब चलिए इसको फटाफट से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुकर। अब कुकर में हम क्या करेंगे, कुकर में ही हम इसको इसमें डाल के बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम इसको बढ़िया सा बनाएंगे खिचड़ी, और बिल्कुल भी पतली खिचड़ी बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हम इसमें डाल दे रहे हैं, ये देखिए दाल डाल दीजिए इसमें। अभी हम आपको इसमें गैस पे नहीं चढ़ाना है, तो पहले आप देख लीजिए। तो ये देखिए, हमने इसमें दाल मिला दिया है। अब दाल मिलाने के बाद इसी में हम मिला देंगे चावल। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें चावल मिला दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने इसमें मिला दिया। अभी इसमें ना हम कोई तड़का लगाएंगे, ना हम इसमें कोई चीज़ ऐसी डालेंगे जो नुकसान करे, ठीक। तो इसमें अभी ऑयल भी नहीं डाला है हमने, इसमें ऐसे ही हमने इसको बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने चावल भी इसमें डाल दिया और इसमें हमने दाल भी इसमें डाल दिया है, ठीक। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के लिए, इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए हम डालेंगे इसमें हल्दी। ये देखिए दोस्तों, 1 से 1.5 चम्मच तक हम हल्दी डाल देंगे, ये देखिए। अब डाल देंगे इसमें हम नमक। तो नमक हल्दी से हम बनाएंगे, दस्त में बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। और हल्दी, मूंग की दाल तो वैसे भी हल्दी होती है। तो देखिए, हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दिया है, ठीक। अब चलिए इसको हम बढ़िया से इसमें डाल देते हैं पानी। तो देखिए दोस्तों, ये हमने लिया हुआ कटोरा, इसी में कटोरा भर के हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि बिल्कुल पतली हमें खिचड़ी बनानी है। तो ये देखिए दोस्तों, पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, तो देखते रहिए। तो ये देखिए, जितना चावल आप बनाने में पानी यूज करते होंगे उससे आपको दुगना पानी इसमें डालना है, तभी तो ये गीली गीली पतली पतली बनेगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इतना पानी इसमें ऐड कर दिया। अगर उंगली से नापे तो ये देखिए, हमारी यहाँ तक आपकी उंगली, फिंगर पर यहाँ तक ही आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम गैस की लिड बंद कर देते हैं, इसको चलिए गैस पे चढ़ाते हैं। तो देखिए, कुकर की लिड हमने बंद कर दी है, अब इसको हम चलिए फटाफट से गैस पे चढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसको लगभग देखिए मध्यम आंच में ही इसको हमने पकाया है, और देखिए इसको हमको कम से कम 2 से 3 सीटी आने तक इसको बढ़िया सा हमें पका लेना है। चलिए इसका इंतजार करते हैं 2 से 3 सीटी आने तक। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी सीटी हो गई है, ठीक है। अब चलिए फटाफट से इसको छौंक लेते हैं। देखिए, हमने सरसों का तेल लिया हुआ है और ये लिया हुआ है थोड़ी सी मिर्च ली है और जीरा। चलिए इसको छौंक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, आप देख रहे हैं। देखिए तेल, इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, हाँ इसमें डाल के बढ़िया सा पका सकते हैं। तो देखिए, हमने इसमें जीरा डाल दिया है और इसमें मिर्च डाल दिया है, बस जीरा मिर्च डालकर इसको खूब बढ़िया से हम पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अब आप खिचड़ी देख सकते हैं, देखिए हमारी कितनी बढ़िया सी खिचड़ी बनके तैयार हो गई। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, देखिए हमारा उस डाल दिए। अब देखिए, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, थाली ले लिया है, थाली में देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया सा हमारी खिल की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। और अगर आपको दस्त हो रही है या आपके घर में किसी को भी दस्त हो रही है, तो ये पतली पतली मूंग दाल खिचड़ी खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी, सभी को बहुत तारीफ़ करेंगे। इसमें कोई भी कुछ भी ऐसे कुछ नहीं मिला है जो आपको तकलीफ़ दे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा।